शिल्पोत्सव श्रृंखला के तहत आज हमारा चौथा स्कल्पचर सिंपोजियम, जो कि पारंपरिक मूर्ति शिल्पकार जो भारत के विभिन्न राज्यों से आए थे, आज संपन्न हुआ। तो कुल मिलाकर इसमें 13 मूर्तिकार कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा और केरल से यहाँ पर एकत्र हुए और उन्होंने 20 दिन यहाँ रह के काम किया। इन 20 दिनों में उन्होंने शक्तिपीठ, जो उनके नेटिव स्टेट में है, उनका स्वरूप बनाया, या तो शक्ति का ही कोई दूसरा रूप जो उनकी स्टेट की जो शैली है, जैसे कर्नाटक में एक स्पेसिफिक शैली है, तमिलनाडु में मूर्ति शिल्प की एक अलग पहचान है, उन्हीं उसी ग्रामर में, उसी विजुअल लैंग्वेज के तहत उन्होंने यहाँ पे रह के 20 दिन मूर्ति शिल्प लगाए। और ये जो हमारा शिल्प स्मृति सिंपोजियम था, ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। मैं सभी शिल्पकारों का, हमारे स्टाफ का, हमारी सारी साप्ती टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सब लोग इसमें जुटे रहे। शिल्प जो इस शिल्प स्मृति सिंपोजियम में बने हैं, फाइनली इनको हमारे गब्बर हिल श्राइन पे जो परिक्रमा है, वहाँ पे जो स्टेट स्पेसिफिक संकुल हैं, उनमें इनको फाइनली इंस्टॉल किया जाएगा और वहाँ पे ये उन संकुल की शोभा बढ़ाएंगे। शिल्प स्मृति सिंपोजियम की एक ख़ास बात ये भी रही कि अधिकतर जो हमारे मूर्तिकार आए थे वो साउथ इंडिया से आए थे और उड़ीसा से आए थे। पारंपरिक तौर पर इन स्टेट्स में मार्बल उपलब्ध नहीं होता है, तो ये एक उनके लिए भी एक बहुत चुनौती और नया प्रयोग था कि जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे 20 दिन रह के अंबाजी में वाइट मार्बल में पहली बार काम किया और मूर्ति शिल्प बनाने के साथ साथ उन्होंने उनके जो बहुत ही खूबसूरत पेडेस्टल्स जो सैंडस्टोन में बनाए, वो भी बहुत ही अच्छे बनाए हैं। और इन सब का जो एक शिल्पकारों का जो समूह था, उन्होंने ऐसा व्यक्त किया है कि वो बाद में भी यहाँ पर साप्ती अंबाजी में आके रेगुलर बेसिस पे काम करना चाहेंगे।